नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके कुंडली के पराक्रम घर के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जिनको ग्रहों का राजा भी माना जाता है। 17 अक्टूबर 2024 से अपनी नीच राशि तुला राशि में ही ये गोचर कर रहे हैं और नीचस्थ अवस्था में आपके पंचम भाव में विराजित हैं। अब यही सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था का जो परिणाम है वो कम करने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को किन क्षेत्रों में राहत मिल सकती है और किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यही जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो हैं 28 अक्टूबर 2024 को डिग्री वाइज नीचस्थ अवस्था में कमजोरी करने वाले हैं, यानी कमजोर स्थितियों में पहुंचने वाले हैं। और तुला राशि में ये 16 नवंबर तक रहेंगे, तो इस समयावधि तक आपको क्या रिजल्ट विशेष रूप से मिल सकता है? अगर सूर्य के बारे में आपको जानकारी दिया जाए, सौर मंडल में सूर्यदेव सभी नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त किए हुए ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत ही अहम योगदान होता है। अगर सूर्य प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो जातक को ऊर्जावान बनाते हैं। सूर्य बलवान हो तो मान सम्मान जीवन में मिलता है, पिता का सहयोग मिलता है, सरकारी, राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता जीवन में आसानी से मिलती है। सूर्य अगर बलवान हो तो जातक अपने जीवन में अपने सभी काम को सुचारू रूप से करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्षमता की मौजूदगी भी होती है। तो लीडरशिप क्षमता होती है तो ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए समर्थ होता है। लेकिन जब सूर्य कमजोर हो तो देखिए, हड्डी जनित बीमारी देते हैं, पीलिया की बीमारी, पेट से जुड़ा हुआ रोग, आंखों से जुड़ी हुई बीमारी शरीर में होती है। कमजोर सूर्य के प्रभाव से जीवन में लगातार प्रयासों के बावजूद भी सरकारी क्षेत्रों में जो सफलता है वो कम मिलती है, पिता का सहयोग जीवन में कम मिलता है और सूर्य के कमजोर होने पर मान सम्मान को लेकर भी समस्या जीवन में चलती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में, यानी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। 28 अक्टूबर 2024 को जो सूर्य हैं वो आपके पंचम घर में नीचस्थ अवस्था को कम कर रहे हैं। आपकी कुंडली का जो पंचम घर है उस पर सूर्य अपना बुरा रिजल्ट यानी नीच रिजल्ट दे रहे थे। पंचम घर से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, व्यक्तिगत विकास, पूर्व पुण्य के बारे में विचार किया जाता है। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को जब सूर्य की नीचता कम होने वाली है तो आपको कई प्रकार की शुभता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव यहां पर नीचस्थ अवस्था में कमी करेंगे, तो पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं, तो आत्मविश्वास के साथ काम करते हुए आप लोग जीवन में नजर आने वाले हैं। अगर आपके मनोबल की कमी पुराने समय से ही बनी हुई है या किसी भी काम को आप एकाग्र होकर नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य की नीचस्थ अवस्था की वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी हो रही है। लेकिन 28 अक्टूबर 2024 से सूर्य का जो नीचस्थ प्रभाव कम हो रहा है तो इससे आप अपने जीवन में आप ऊर्जा शक्ति आपको बढ़ती हुई नजर आने वाली है और किसी भी काम में यदि आपका रुझान होगा वहां पर आप एकाग्रता पूर्वक काम करने में सफल रह सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का यह जो प्रभाव है वो शिक्षा के मामले में प्रबल शुभता देने वाला है, क्योंकि पंचम घर में यानी शिक्षा भाव में ये नीचस्थ अवस्था में थे,
तो जिन विद्यार्थी जातकों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, यह शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा कि अचानक आपके अंदर आलस्य बढ़ा हुआ है या आपके मन में नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो सूर्य की नीचस्थ अवस्था यहां पर कम होगी। तो आपके जीवन में अगर आप शिक्षा के मामले में हैं तो आपको प्रबल शुभता आसानी से मिलती हुई दिखाई देने वाली है। स्वयं का जो व्यक्तित्व है उसमें ज्ञान स्वरूप की प्रकटीकरण होने वाला है, यानी पंचम घर जो होता है व्यक्तिगत विकास का होता है। तो यहां पर सूर्य का जब निगेटिव प्रभाव समाप्त होगा तो व्यक्तित्व में विशेष निखार मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। सूर्यदेव यहां पर आपके जीवन में आर्थिक मामलों में अच्छा खासा मेहनत के बावजूद भी जो आपको पर्याप्त इंसेंटिव दिलाने में कमी कर रहे थे, तो अब यही सूर्यदेव 28 तारीख से 11th हाउस पर जो दृष्टि डाल रहे हैं तो यहां पर आपको बेहतर रिजल्ट देने के लिए बाध्य रहने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में आसानी से आपकी आय के साधनों में वृद्धि आपको मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और मानसिक चिंताओं से भी आपको निजात जरूर मिलने वाला है। अगर आपको इस समयावधि में किसी भी प्रकार की मानसिक रूप से समस्या बनी हुई है उसमें आपको कमी मिलने वाली है। और जातकों के जीवन में मिथुन वालों को अगर संतान से रिलेटेड समस्या है तो देखिए कम होने वाली है, समाप्त तो नहीं होगी, क्योंकि समाप्त ये जब तक सूर्यदेव यहां पर रहेंगे धीरे धीरे समाप्त जरूर हो जाएगी। लेकिन अगर संतान से रिलेटेड कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में है तो 28 अक्टूबर 2024 से उसमें आपको कमी जरूर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव यहां पर विराजित होकर एक और बड़ी सकारात्मकता देने वाले हैं। निजी रिश्तों को लेकर यानी प्रेम जीवन को लेकर अगर आपके अंदर संभावना काफी नेगेटिव है, यानी आपके मन में नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस समयावधि में सहयोगी का यानी प्रेमी का साथ आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा। और प्रेम और वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के लिए आप लोग मिसाल कायम करते हुए भी नजर आते हुए रहेंगे। इस प्रकार का जो असर है वो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में देने वाला है। पंचम घर कुंडली में पेट को भी रिप्रेजेंट करता है। यहां पर गर्म ग्रह सूर्यदेव की नीचस्थ अवस्था अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या दे रही है तो उसमें भी आपको शानदार स्थितियां मिलने वाली है। पेट की जो बीमारी है उसमें आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य इस प्रकार का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में देने वाले हैं। और उसके पश्चात 16 नवंबर को जब ये परिवर्तन कर लेंगे यानी नीच राशि से निकल जाएंगे तो पूरे वर्ष में पहली बार यह नीचस्थ अवस्था में एक महीने के लिए हैं, तो आने वाले टाइम में आपको और भी ज्यादा बेहतर परिणाम आपके भावों के अनुसार आपको मिलेगा। अगर इस समयावधि में आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सूर्य को जलाभिषेक करना और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बुध के परम मित्र माने जाते हैं, तो पिता के साथ संबंधों को यदि आप बेहतर बनाकर चलेंगे तो भी आपके लिए स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है। और गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य प्रबल शुभता देने वाले हैं। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।